So if we talk about rotating magnetic field, then you can define it as a field or flux having constant amplitude, but whose axis rotates in a plane at a certain speed. What does that mean? इसका मतलब है कि अभी हम लोगों ने एसी सर्किट्स पढ़े और हम लोगों ने पढ़ा उसमें कि हमारा जो एसी सर्किट की जो करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म होती है. See, many people are presented here along with me. So if anybody is waiting in the lobby, kindly add them. Okay, so that I not need to interrupt the class again and again just to let them in. Okay, so where we were, what is rotating magnetic field? अगर हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैं अभी आप लोगों से ये कह रही थी कि हमने एसी सर्किट पढ़ लिया है. एसी सर्किट में हम लोगों ने ये पढ़ा कि एसी ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज क्या होती है. दे आर साइनसूडल, दे आर चेंज, मतलब अगर हम उनकी वेव फॉर्म देखें तो दे आर वी रिप्रेजेंट एसी वोल्टेज एंड एसी करंट विथ साइन वेव विथ कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड. ओके, दे हैव दिस एम्पलीट्यूड और दे आर चेंजिंग from peak to zero to peak to zero again, they are in the form of sine. ठीक है, but there we were that was our sine wave which is representing our अगर हमें इसी सर्किट में हमें अपना वोल्टेज रिप्रेजेंट करना है, करंट रिप्रेजेंट करना है या फ्लक्स रिप्रेजेंट करना है तो वी वर रिप्रेजेंटिंग इट विथ साइनसोइडल वेव फॉर्म. हमने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा तो ट्रांसफॉर्मर में भी हमने क्या पढ़ा था, स्टेटिक मैग्नेटिक फील्ड था वहाँ पे ना, स्टेटिक. द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था जब हमने ई एम एफ इक्वेशन देखा था ट्रांसफॉर्मर का, हमने फ्लक्स का इक्वेशन देखा था, हमने जब फाई एम निकाला था तो हमने उसके लिए फ्लक्स का ड्रॉ किया था. क्या किया था, वेवफॉर्म ड्रॉ किया था और देट वॉज ऑल्सो साइनसूडल. ओके, बट रोटेटिंग तो वो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड था, दैट वॉज मैग्नेटिक फील्ड. फाई एम वॉज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड बट इट वॉज स्टेटिक. बट रोटेटिंग क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड का तो हो बट उसका जो एक्सिस है दैट रोटेट्स, वो मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट करे. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग दैट द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफाइन एज फील्ड और फ्लक्स हैविंग कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड बट हुज एक्सिस रोटेट्स इन अ प्लेन एट अ सर्टेन स्पीड. तो अगर आप इसको एग्जाम्पल से समझना चाहें तो ये ऐसा है कि आपने परमानेंट मैग्नेट ली, ठीक है, उसको आप स्पेस में रोटेट करा रहे हो आप, क्योंकि वो परमानेंट मैग्नेट है एंड इट इज रोटेटिंग तो इट विल प्रोड्यूस व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड. बट एज इट इज रोटेटिंग इन अ स्पेस सो इट विल प्रोड्यूस अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो इसको आप और भी तरीके से कह सकते हो कि मान लो आपने एक अरेंजमेंट बनाया जिसमें आपके पोल रोटेट कर रहे हैं, आपने क्या किया है और उनका एक्साइटेशन जो है, आपने पोल्स को एक्साइटेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है पोल में, ठीक है, पोल्स में. आपने मशीन्स पढ़ाई है, थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा हुआ है, डीसी पढ़ा है, आपने टू पोल्स मशीन पढ़ा होगा 11th 12th में, तो आपने वहाँ देखा होगा कि परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं और बीच में आपका क्या होता है, कोर रोटेट करता है और उल्टा भी होता है, ठीक है. तो अगर मान लो आपके जो पोल्स हैं उसको मैंने करंट दे दिया है, ठीक है, करंट एक्साइटेशन दे रखा है, वो रोटेट कर रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. बट क्योंकि आपका जो पोल है वो रोटेटिंग है तो क्या होगा, उसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो एक्साइटेशन है वो कॉन्स्टेंट है, तो यू विल हैव अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विच इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड. सो वी कैन से दैट अ फील्ड प्रोड्यूस इन द एयर गैप ऑफ द रोटेटिंग फील्ड type alternator is of rotating type, but this is all about production of RMF, rotating magnetic field ko RMF se represent karte hain, jaise electromagnetic field ko hum EMF se represent karte hain, to aise hi jo aapka rotating magnetic field hai that is that could be write as RMF. so that is all about production of your RMS by physical rotating poles or magnet. In practice, such a rotating magnetic field can be produced by exciting a set of stationary coil or winding with the help of polyphase AC supply. ठीक है, ये तो हमें ये पता चल गया, जो example अभी मैंने आप लोगों को बताया कि permanent magnet को आप rotate कर दो या poles को rotate कर दो जिसको कि आपने excitation दे रखा है, constant excitation दे रखा है,
बट इन प्रैक्टिस हम कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, हम स्टेशनरी कॉइल लेते हैं, ठीक है, और पॉलीफेज एसी सप्लाई उसको देते हैं. पॉलीफेज मतलब मोर देन सिंगल फेज, ओके, टू फेज, थ्री फेज, फोर फेज, ऐसे करके आप उसको सप्लाई दे दो. एसी फेज एसी सप्लाई दोगे तो यू विल हैव योर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. This resultant flux produced in such a way, such a case, has constant magnitude and its axis is rotating in space without physically rotating the winding. ऐसे में क्या होता है, अगर आपने ए सी सप्लाई दे दिया, बिकॉज मैंने बताया कि ए सी क्या है, साइनसूडल है, इट इज ऑल्सो मतलब इट हैज सम मैग्नीट्यूड, इट इज गोइंग डाउन, इट इज गोइंग अप. साइनसूडल का तो सबको पता ही है कि हाउ इट लुक्स लाइक. तो अगर मैं किसी स्टेशनरी कॉइल को की वाइंडिंग को एसी सप्लाई दे देती हूँ, पॉलीफेज एसी सप्लाई, तो द रिजल्टेंट फ्लक्स विच आई विल हैव हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रहेगा उसका, ठीक है, बट इट्स एक्सिस इज रोटेटिंग इन स्पेस विदाउट फिजिकली रोटेटिंग द मैग्नीट्यूड वाइंडिंग. ओके, वन सेकेंड. सो अ रोटेट, ओके, वन
मैम आप म्यूट हो गए। मैं कब से म्यूट हूँ? कौन कौन ने अभी किसने मुझे बताया कि मैम आप म्यूट हो?